Welcome everyone to our wellness workshop and chakra balancing. So आज हमारा day 3 है and आज के दिन हम लोग mental blockages and mental healing के बारे में बात करने वाले हैं. Law of attraction के बारे में हम लोगों ने कल सीख लिया है किस तरीके से हम manifest कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे mind में ही mental blockages हैं, हमारे mental में दिमाग में हमारे blockages हैं, तब हम heal नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वही ब्लॉकेजेस को क्रिएट करता है, और एक बार अगर ब्लॉकेजेस हो जाता है तो टाइम लग जाता है मैनिफेस्ट होने के लिए. तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस ब्लॉकेजेस को निकाल सकते हैं और अपनी मेंटल की हीलिंग कर सकते हैं, हमारा हीलिंग कर सकते हैं मेंटली. ठीक है. सो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है कि आप खुद अपने डिजीज को, चाहे कोई भी डिजीज हो, आप उसे हील कर सकते हो. लेकिन हम ये बिलीव नहीं करते हैं और इसकी वजह से मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है. लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर इतना पावरफुल है, सभी को अगर इसके बारे में पता है, तो फिर ये हील क्यों नहीं होता है? हर लोगों को सब कुछ नहीं मिल जाता होगा, लेकिन सब लोगों में मेंटल ब्लॉकेजेस भी तो होते हैं. बहुत से लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी मेंटल ब्लॉकेज है इसकी वजह से. ठीक है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? उसके 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं. आस्क, बिलीव एंड रिसीव. एक बार आपने आस्क किया, यानी मांगा आपको क्या चाहिए, एक बार आप स्पेसिफिक हो गए. अब आपको किससे मांगना है? यूनिवर्स से मांगना है, जो भगवान से, जो भगवान को आप मानते हैं उन्हें मानना है, उन्हें, उनसे मांगना है. उसके बाद बिलीव करना है. सेकेंड पॉइंट में यह है कि आपको बिलीव करना है कि वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. आपको यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना है कि आपने बोल दिया है तो यूनिवर्स आपका काम ज़रूर करेंगे. जीनी कैसा होता है? हम कुछ भी मांगते हैं वैसा मिल जाता है ना, वैसे ही उनको बिलीव करना है कि वो आपको ज़रूर डेफिनेटली देंगे. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तो 3 महीने बाद 6 महीने बाद, लेकिन वो डिज़ायर आपकी ज़रूर पूरी होगी क्योंकि वो आपका ख्वाहिश है और आपने यूनिवर्स से मांगा है. थर्ड स्टेप जो है, जैसे ही आपने बिलीव कर लिए हो, आपका थर्ड स्टेप है रिसीव करना, यानी कि आप रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे. लेकिन उसके लिए आपको रिसीव के मोड पे आना होगा, रिसीविंग मोड पर आना होगा, यानी कि आपको बिलीव करके पॉजिटिव रहना है कि वो आपको ज़रूर मिलेगा. ठीक है. अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूंगी ताकि आपको थोड़ा डाउट जो आपकी है वो क्लियर हो जाए. जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, ठीक है, आप मेन्यू देख रहे हैं, फिर ऑर्डर दिया, वेटर आए, आपने उन्हें ऑर्डर दिया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, आपने क्या किया उस समय? आस्क किया. ठीक है. अब जैसे ही उन्होंने आपका ऑर्डर लिया है, अब वो अंदर जाते हैं जहाँ पर खाना बनाते हैं, वहाँ पर जाके वो थोड़ा समय लेते हैं, आपका जो डिश है उसे बनाने के लिए समय लेते हैं. जो आपकी डिज़ायर है, जो आपने ऑर्डर दिया है, उसे बनाने के लिए समय लेते हैं. लेकिन आप ये सोचते हैं क्या कि ये टाइम लग रहा है तो शायद मुझे ये मेरी जो डिश है वो नहीं मिलेगा? नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते. आप ऐसा सोचते हैं कि खाना वो बना रहा है मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा. तो उसी तरीके से जब आप आस्क करते हैं, उसके बाद आप बिलीव करते हैं कि रेस्टोरेंट में जब आपने ऑर्डर दे दिया है, आस्क कर लिया है, तो खाना आपको मिलेगा. और उसके बाद आप रिसीविंग मोड पे आ जाते हैं, फिर आपको ऑर्डर आपके टेबल पर आती है और आप रिसीव कर लेते हैं. सिमिलरली यूनिवर्स भी उसी तरीके से काम करते हैं. पहले आपको अपनी विश को यूनिवर्स को बताना होता है, आस्क करना होता है, फिर आप बिलीव करते हैं कि कितना भी टाइम लगे विश आपके पास आएगी, और उसके बाद आप रिसीव के मोड पे आ जाते हैं. अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी है, उसमें मिस्टर मॉरिस गुडमैन जो है, उनकी प्लेन क्रैश हुई थी, और उनके जब उनको हॉस्पिटल लेके गए थे तभी पूरी उनकी बॉडी, सिर्फ उनका दिमाग काम कर रहा था, पूरी बॉडी, उनकी हड्डी सब टूट गए थे, वो ऑक्सीजन पे थे, और डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, खुद खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्वालो भी नहीं कर पाते थे. लेकिन जैसे उनका माइंड चल रहा था, उनका ब्रेन चल रहा था, उन्होंने अपने माइंड में, डेली माइंड में मैसेज पहुंचाते गए कि क्रिसमस के टाइम पे मैं इस हॉस्पिटल से खुद अपने पैरों पर चल के निकलूंगा और चल के इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा. उनके माइंड में यही था, और डेली उन्होंने अपने माइंड में यही चीज़ की रिप्रोग्रामिंग की थी. डेली अपने माइंड को यही बताते थे कि मैं हॉस्पिटल से निकलूंगा क्रिसमस के टाइम पे. और हुआ क्या, लास्ट में उन्होंने क्रिसमस के टाइम पे ही उस हॉस्पिटल से अपने पैरों से चल के निकले थे. सारे डॉक्टर, सारे नर्स वहाँ पर शॉक हो चुके थे, ठीक है, कि ये आदमी कैसे चल पा रहा है जब वो बेड पे था. तो इसी तरीके से यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड की पावर है. जो भी हम चाहें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं. उनका लकी पार्ट ये था कि उनका ब्रेन जो है वो काम करना बंद नहीं किया था, उनका ब्रेन काम कर रहा था, जिसके कारण उन्होंने मैसेज भेजा और अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग की, सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग की.
ठीक है, तो इसी तरीके से वो चलना स्टार्ट कर दिए। आपने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी सेम ऐसा ही है, उनकी एक्सीडेंट होती है और उनका हाथ जो है ना वो ऑपरेशन के लिए ऐसे हाथ उनके ना कांपते थे, शिवर करते थे, तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे कभी भी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया लेकिन नहीं हुआ। फिर लास्ट में क्या किया उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में आए, बुक्स रीड की, प्रैक्टिसेस किए, फिर उनके हाथ ठीक होना स्टार्ट हो गया, वो काम करना स्टार्ट किए। भले वो डॉक्टर साइड में नहीं गए लेकिन फिर भी वो उससे बाहर आ गए। ठीक है, अब बात यह है कि जब हम हमारे माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर पाते हैं, हमारे ब्रेन की, हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव कर पाते हैं, तो हम आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, आप कोई भी चीज़ की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं वो 7 ईयर्स के अंदर रीजनरेट होती हैं। ठीक है, कुछ उससे पहले हो जाती है, कुछ 10 साल तक लग जाती है एक नए सेल्स बनाने के लिए। मतलब हमारी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है वो हेल्दी रहना है, हम बीमार रहने के लिए हुए ही नहीं है। हमारा बर्थ राइट हेल्दी रहना है, हम हेल्दी रहने के लिए ही बने हैं। हमारा बॉडी हील होता है लेकिन ब्लॉकेजेस ये होती है कि हम मानते नहीं है कि हमारी बॉडी में वो पावर है। जब तक हम नहीं मानेंगे हम हील नहीं कर पाएंगे अपने बॉडी को। तो हमारी बॉडी को पहले मैसेज भेजना होगा, हमें वो बिलीव करना होगा कि हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें पावर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पावर है, हम अपने बॉडी को हील कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। ठीक है, हमारी बॉडी जो है ना नेचुरल स्टेट ही हील रहना हेल्दी रहना है। हम नहीं रह पाते हैं क्योंकि हमारा माइंड में ब्लॉकेजेस है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, इसीलिए हम नहीं हील हो पाते हैं। अब मेंटल ब्लॉकेजेस क्या है, मेंटल ब्लॉकेजेस के बारे में जानेंगे। मेंटल ब्लॉकेजेस क्या है जो आपको रोक रही है आपकी हीलिंग प्रोसेस के लिए? आपकी फियर, आपका गिल्ट, आपका एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपके वरीज, आपके डाउट्स, आपके ऑब्स्टेकल्स, जो भी आपके पास्ट में हुआ है, जो भी चीज़ें उसकी वजह से, आपकी जो इनर फियर है उसकी वजह से, ये सारे क्या है? ये सारे मेंटल ब्लॉकेजेस ही तो है जो आपको हील होने से रोक रहे हैं। और आज आपका यही टास्क है कि आपकी जो भी हेल्थ की इश्यूज है वो आप हील करना चाहते हैं वो करेंगे, और वो कैसे करेंगे आज जानेंगे। वो डिजीज आपके बॉडी में कैसे आया है वो पहले आपको जानना है। सी, हमारा ये जो इमोशंस है, फियर है, टेंशन है, वरी है, गिल्ट है, ये हमारे शरीर के अंदर है, दब जाती है। ठीक है, कभी भी हमें बचपन में किसी ने कुछ बोल दिया है तो वो चीज़ हमारे मन में बैठ जाती है। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, हर्ट हो गया, कि कोई फीलिंग को हमने अपने अंदर दबा के रख दिया है, तो उस वो फीलिंग कहाँ जाएगी, वो पेन कहाँ जाएगा, वो इमोशन कहाँ जाएगा? आपके बॉडी में ही कहीं ना कहीं जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद आपको वो पेन करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि वो हील नहीं हो रहा है। और जब वो पेन करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे वो आपके शरीर में फैलेगा, फिर वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यही चीज़ होती है जब आप अपने मेंटल हीलिंग नहीं करते हैं, जब आपके इमोशंस स्टक हो जाते हैं आपके बॉडी में, तभी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो डिजीज़ आपके बॉडी में कैसे आया है? इसी तरीके से आया, आपके माइंड में जो चल रहा है, जो आपने इमोशंस को दबा के रखा है, वो उसकी वजह से वो कैसे बदल गया, वो आपकी एक डिजीज़ बन गई है, वो डिजीज़ में बदल गई है, आपका पेन जो है वो डिजीज़ में बदल गया है। आपका आज यही आपको आज यही देखना है कि आपकी कौन सी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो इसे हील नहीं होने दे रही है, आपकी बॉडी को, आपके फिजिकल बॉडी को, आपके मेंटल हेल्थ को आपको हील नहीं होने दे रही है। स्किन की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम बोलते हैं ना, ये लगा लो, ये क्रीम लगा लो तो आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, एक नहीं ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं, लगाते हैं। हेयर फॉल, डैंड्रफ अगर होता है तो हम बोलते हैं ये शैम्पू लगाओ, ये चीज़ें करो तो आपकी डैंड्रफ चली जाएंगी। वेट लॉस के लिए हम बोलते हैं कि मिल्क शेक पियो, प्रोटीन्स लो, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है करने से, और कभी कभी हो भी जाती है, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके बिलीव की वजह से। जब आप बिलीव कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें करने से, ये जो चीज़ें हैं क्रीम है, ये अप्लाई करने से आप हील हो जाएंगे, आपके डैंड्रफ चले जाएंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपकी बॉडी की वेट लॉस हो जाती है क्योंकि आपने बिलीव कर लिया है कि इसे कंज्यूम करूंगी तो मेरा वो वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे अरे ये तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ लेकिन काम शायद से कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? बोल के आप कंज्यूम करेंगे तो वो कभी आपका वेट लॉस नहीं होगा, कभी आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हील नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको बिलीव करना होगा, आप कोई भी चीज़ को यूज़ करें या ना करें, आपको
जो है ना आपकी बिलीव को स्ट्रांग रखना होगा। अब मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर्स के खिलाफ हूँ, मैं मेडिसिन लेने के लिए आपको मना करूंगी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। मेडिसिन को अपना काम करने दीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, लेकिन साथ में अपनी जो ब्रेन की पावर है, आपकी जो सबकॉन्शियस की पावर है, उस पावर को भी काम में लाइए, उस पावर को भी यूज करना सीखिए, यूटिलाइज करना सीखिए। ठीक है, अब जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, क्या ये जो डॉक्टर्स दवाई देते हैं जो आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना होता है, क्या वो आपकी बॉडी को हील कर रही है? नहीं कर रही है, वो आपके बॉडी को हील नहीं कर रही है, वो आपको एक टेम्पररी टाइम के लिए उस पार्ट को बेसुध कर रही है और आप वैसे ही लाइफ को अपने जीते जा रहे हो, वो हील नहीं हो रही है। अगर आपको सर दर्द करता है, मेडिसिन आप ले लेते हो, तो आपकी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी जो पेन है वो चला गया है, पेन वही रहता है, लेकिन आपकी आपका जहाँ पर पेन हो रहा है वो पार्ट को बेसुध कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यही होता है, पूरी तरीके से हील नहीं होता है। ठीक है, आपको आज यही देखना है कि आपकी कौन सी मेंटल ब्लॉकेजेस है जो इससे हील नहीं होने दे रहा है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि आपकी कौन सी ब्लॉकेजेस हैं, कौन सा वो पेन है जो बॉडी में आ गया है जिसके कारण आप हील नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद आप हीलिंग प्रेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हीलिंग प्रेयर को इस्तेमाल करके जब आप डेली बेसिस पे हीलिंग प्रेयर को यूज़ करेंगे, फिर आप देखेंगे आपके बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला मेंटल हीलिंग, अब मेंटल ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए मेंटल हीलिंग क्या है, मेंटल हीलिंग को किस तरीके यूज करना है। मेंटल हीलिंग एक हवाइन स्पिरिचुअल हीलिंग है, प्रैक्टिस है जो आप जो जिसे हम होपोनोपोनो प्रेयर भी बोलते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर में जो हम उसमें चार स्टेप्स होते हैं, सिर्फ चार सिंपल स्टेप्स होते हैं जो आपको बोलने होते हैं। इसमें रिपेंटेंस होता है, फॉरगिवनेस होता है, ग्रैटिट्यूड और लव होता है। ये चार पावर है इस प्रेयर की, होपोनो प्रेयर। इसमें सॉरी फील करते हो आप, अगर आप ओवर वेटेड हो या एंग्री इश्यूज हैं, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसका इंटेंशन सेट करो, फिर ये प्रेयर को करो, करना है। ओके, देन आस्क करो, बोलो कि प्लीज़ मुझे फॉरगिव करो। पहले बोलो आई एम सॉरी, आपने जो भी आपकी बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम है, जो भी पार्ट आपको हील करनी है, ब्लॉकेजेस जहाँ पर भी है, पेन जहाँ पर भी है, उसे आई एम सॉरी बोलो। उसके बाद बोलो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर थैंक यू बोलो आपके बॉडी के पार्ट्स को, जहाँ पर भी वो हीलिंग चाहिए वहाँ पर थैंक यू बोलो, और फिर उसे प्यार करो, बोलो आई लव यू, आई लव यू। अब आपकी जो बॉडी है उसको आई लव यू बोलो, आपकी हेल्थ को आई लव यू बोलो, आपके गॉड को, आपके यूनिवर्स को, जो हवा, जो ऑक्सीजन आप लेते हो, इनहेल करते हो, ब्रीदिंग के लिए, आपके लाइफ के लिए काम आती है, उसे थैंक यू बोलो, और फीलिंग के साथ बोलो थैंक यू। ठीक है, तो यही चीज़ है आपको होपोनोपोनो प्रेयर में करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, यही पार्ट है जो आपको करनी है। सो अभी नेक्स्ट आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के बाद आपको जो होमवर्क है वो दिया जा रहा है। मेडिटेशन के बाद आपको कुछ दिनों तक, हो सकता है ये पूरे कोर्स तक, ये प्रोग्राम तक आपको ये प्रेयर को करना है। एक टाइम पे बैठिए, पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए कहाँ कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है। जब एक बार आपको प्रॉब्लम आपकी पकड़ में आ जाती है कि आपको कौन से पार्ट को हील करना है, जो मैंने आपको फर्स्ट डे को भी आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला है कि आप लिस्ट बनाएंगे कि आपको कौन से पार्ट को हील करना है, एक बार आपने उस पार्ट को पकड़ लिया है आपके बॉडी के, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, उसके बाद आपको इस प्रेयर को करनी है। स्कैनिंग के बाद जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पर आपको आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, अपने बॉडी को थैंक यू बोलिए, उन्होंने आपका आपको इतने टाइम से संभाला है, आपके सोल को आपके बॉडी ने होल्ड करके रखा है, अपने बॉडी को थैंक यू बोलो एंड बोलो आई लव यू, अपने बॉडी से प्यार करो। आपकी जो प्रॉब्लम है वो जो हील हो रही है, जो इश्यूज है, जो डिजीज है आपकी, जो हील हो रही है वो जा रही है, उसे देखो जाते हुए और फिर उसे थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो। ठीक है, तो आज की आपकी यही प्रैक्टिस है, आपको ये हीलिंग प्रेयर को अपने बॉडी पार्ट के लिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, आपको उसके लिए आई एम सॉरी बोलना है, यानी कि होपोनोपोनो प्रेयर का इस्तेमाल करना है, और ये प्रैक्टिस आपको कुछ दिनों तक, यानी कि जब तक आपको सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक आपको उतने दिनों तक इस प्रेयर को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आज की यही प्रैक्टिस है, सो टेक केयर एंड ये प्रैक्टिस को परफॉर्म कीजिए, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करने के बाद ग्रुप में अपडेट कीजिए कि आपने इस प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स, बाय बाय।